अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है सुरैया। मैं आज आप लोगों से नो बेक नो के क्रीमी डिलाइट मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए क्रीम चीज की रिक्वायरमेंट है। अभी क्रीम चीज प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फुल फैट मिल्क ली हूँ 1 लीटर। उसको जो है वो हल्का सा वार्म करना है, बॉइल नहीं करना है, सिमर करना है। जब मिल्क साथ में मैं 1/4 कप जो है फ्रेश क्रीम ऐड करूंगी। फ्रेंड्स जब मिल्क जो सिमर करने लगेगा तब जो गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और फिर इसमें धीरे धीरे जो लेमन जूस ऐड करना है। मैंने लेमन जूस जो है फ्रेंड्स मैंने 2 लेमन का ऐड की थी इसमें। मिल्क और फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे फ्रेंड्स। अब उसको कंटिन्यूअसली स्टर करना है ताकि नीचे वो लगे नहीं। अब लेमन जूस ऐड करने के बाद आप लोग देखोगे जो मिल्क जो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका वे जो येलोई जो लिक्विड रहता है जिसको वे बोला जाता है वो सेपरेट आउट होने लगेगा। ये आप लोग देख सकते हो। और फिर इसको जो वो स्ट्रेन करना है। मिल्क के कोगुलेटेड पार्ट को जो मैंने टैप वाटर के साथ इसको वॉश की थी, लेमन का जो खट्टापन इसमें से निकल जाए। और जब उसको हल्के से प्रेस करूंगी ताकि जो भी वाटर रहेगा वो ड्रेन आउट हो जाए। ज्यादा प्रेस नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना ये जो कोगुलेटेड पार्ट रहेगा वो हार्डन हो जाएगा, चीज में वो फिर क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। और फिर जब कम्प्लीटली कूल डाउन हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें बटर ऐड की थी, उसको ग्राइंड की थी। बटर मैंने इसलिए ऐड की थी फ्रेंड्स क्योंकि क्रीमी चीज के इसमें जो फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए बटर ऐड कर रहा है ताकि प्रॉपर मार्केट स्टाइल में क्रीम चीज प्रिपेयर हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो सॉल्टेड अमूल का बटर यूज की थी, अगर आप लोग अनसॉल्टेड बटर यूज कर रहे हो तो इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देना। ये एग्जैक्ट मार्केट टाइप में क्रीम चीज प्रिपेयर हुआ था, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। 8 to 10 days तक रेफ्रिजरेटर में आराम से स्टोर करके रख सकते, ये खराब नहीं होगा। तो चलिए मैं इसके नो बेक नो केक क्रीमी डिलाइट आइसक्रीम प्रिपेयर करूंगी। तो उसके फ्रेंड्स अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। लीटर मिल्क में जो फ्रेंड्स 250 to 300 ग्राम जो क्रीम चीज प्रिपेयर हुआ था, अगर मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो यही बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो इस टाइप में आप लोग भी प्रिपेयर कर सकते, इसको कोई भी डेजर्ट में यूज कर सकते, आइसक्रीम प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते। जहां जहां क्रीम चीज का यूज होता है वहां पे इस क्रीम चीज को यूज कर सकते। प्रिपेयर होने के बाद फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले जो आइसक्रीम का बेस प्रिपेयर करेंगे, ये मैंने जो 20 जो मैरीगोल्ड की बिस्किट्स ली थी उसमें 50 ग्राम जो सॉल्टेड बटर ऐड की थी, उसको ग्राइंड की थी। और इसको जस्ट आप लोग देख सकते हो ऐसे टाइम में प्रेस करना है। ये बिस्किट की लेयर को जो रेफ्रिजरेटर में 15 मिनट्स के लिए सेट होने रख देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करेंगे, सबसे पहले जो क्रीम चीज प्रिपेयर किए थे वो ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद जो मैं इसमें मैंगो ऐड करूंगी, मैंगो का पल्प, उसकी क्वांटिटी जो मैंने कप मैंगो का पल्प ली थी, 1/3 कप लेवल लेना। ये जितना भी मैंने क्रीम चीज प्रिपेयर की थी उतना सब इसमें मैंने ऐड की। और फिर अच्छे से इसको बीटर की हेल्प से बीट करना है। अगर आप लोगों के पास ये इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं रहेगा तो हैंड बीटर से भी कर सकते। बस ये ध्यान रखना कि अच्छी सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। मैंगो पल्प एंड क्रीम चीज अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड की थी, उसकी क्वांटिटी जो मैंने 200 ग्राम्स ली थी, ये होल मैंने टीन ऐड की थी इसमें। मिक्सचर को जो है वो बिस्किट की लेयर पे पोर करना है और इसको रेफ्रिजरेटर में सेट होने रख देना है और 20 मिनट्स के लिए। फ्रेंड जब तक ये सेट हो रहा है जब तक चलिए थर्ड लेयर की प्रिपरेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले मैंने अगार अगार ली चाइना ग्रास जिसको बोला जाता है, तो उसका एक छोटा पैकेट ली। इसको 1 लीटर वाटर में मैंने इसको कुक की थी। 1/2 कप शुगर फुल मैंने इसमें ऐड की थी। शुगर का आई थिंक इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वाटर की क्वांटिटी जो मैंने 1 लीटर ली थी और इसको लो फ्लेम पे कुक की थी। 10 मिनट्स कुक होने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें शुगर भी ऐड की थी। शुगर की क्वांटिटी जो मैंने 1/2 कप फुल ली थी। फ्रेंड जितना आप लोगों को पसंद होगा उस हिसाब से एडजस्ट करना। अभी मैंने 1/2 कप जो है लेवल मैंगो का पल्प ली हूँ और 2/3 कप वो जो चाइना ग्रास का प्रिपरेशन की थी वो ऐड की हुई इसमें जेली की प्रिपरेशन करने के लिए। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाएगा तो जो टिन में सेट होने के लिए रखे थे उसके ऊपर इसको पोर कर देंगे और
को जो फ्रीजर में 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब भी मैं आप लोगों को डीमोल्ड करके शो कर रही थी तब मैंने इसको जल्दी रिमूव की थी, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विडी टाइप में थी। फिर जब मैंने इसको होल नाइट रखी थी फ्रीजर में तब ये आप देख सकते हो कितना अच्छे से पीस कट हुआ है। तो ये आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों को किस तरीके से खाना पसंद होगा, लेकिन बहुत डिलीशियस बना था फ्रेंड्स। एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।